वेलकम बैक एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले कि आज की चर्चा शुरू हो, एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ये है कि आज मैंने प्रयास किया था कि प्रोनाउन से रिलेटेड एक टेस्ट जो है वो डाला जाए, लेकिन सॉरी कि मैं उसमें सफल नहीं हो पाया कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण। और बट वो टेस्ट आएगा, बहुत जल्द आएगा वो। मैं डेट और टाइम अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, बट वो क्वेश्चन मेरा तैयार है और उस पर एक सेट मेरा जो है वो टेस्ट वाला आएगा। तो वेट फॉर दैट एंड लेट अस कंटिन्यू आवर डिस्कशन विच इज गोइंग ऑन। और वो डिस्कशन जो हमारा चल रहा है वो है एडजेक्टिव से रिलेटेड डिस्कशन। तो पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि 8 जो पार्ट्स ऑफ ए स्पीच हैं उसमें से 2 ऐसे पार्ट्स ऑफ ए स्पीच हैं जिसमें एड लगा हुआ है, जिनके शुरू में एड लगा हुआ है, वो है एक एडजेक्टिव और दूसरा है एडवर्ब। और इन दोनों में ऐड लगा हुआ है और ये दोनों जो हैं वो क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं, मतलब ये किसी न किसी दूसरे शब्द को क्वालिफाई करते हैं। तो क्वालिफाई करने का मतलब उनके किसी गुण या दोष की बात करते हैं। इसमें से एडजेक्टिव को जिम्मा दिया गया है कि आप नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कीजिएगा, और एडवर्ब को जिम्मा दिया गया है कि आप किसको किसको क्वालिफाई कीजिएगा, किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कीजिएगा या किसी वर्ब को क्वालिफाई कीजिएगा या किसी अन्य एडवर्ब को क्वालिफाई कीजिएगा। 2 की जिम्मेवारी दी गई है एडजेक्टिव को, नाउन और प्रोनाउन की जिम्मेवारी जो पहला 2 भाई हैं उनकी विशेषता बताने के लिए ये तीसरे भाई हैं एडजेक्टिव साहब। और एडवर्ब जो हैं वो बताते हैं कहाँ से शुरू करते हैं, एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं, फिर वर्ब की विशेषता बताते हैं और अपने में भी एडवर्ब की भी वो विशेषता बताते हैं। तो इस तरह से इनका डिवीजन किया गया है। आगे के जो भाई लोग हैं एडवर्ब के बाद, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, इन लोगों की कोई विशेषता नहीं होती है, इसलिए उनकी विशेषता बताने की जिम्मेवारी किसी को नहीं दी गई है। तो ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, फिर एडवर्ब की जब चर्चा होगी तो कैसे कैसे वो जो जिम्मा दिया गया है उनको उनका विशेषता बताने के लिए वो हम लोग देखेंगे। आज हमें चर्चा करनी है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की। ये जैसे पिछले भाई प्रोनाउन साहब थे, उनके 8 संतान थे, उनके बारे में आप लोगों ने एक एक करके पढ़ा समझा, उसी तरह से इनका भी परिवार थोड़ा लंबा चौड़ा है और ये भी 8 तरह के हैं। कहीं कहीं आपको इनकी संख्या और ज़्यादा भी बताई जा सकती है, बट बेसिकली ये 8 तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं। वो कौन कौन हैं? सबसे पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, चौथा है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पांचवा है रिलेटिव एडजेक्टिव, छठा है पोसेसिव
एडजेक्टिव। सातवां है डिस्ट्रीब्यूटिव। एडजेक्टिव। और आठवां है डिमोन्स्ट्रेटिव। एडजेक्टिव। अब अगर आपको याद हो, और आई होप कि आपको याद होना चाहिए, कि जब प्रोनाउन की चर्चा हो रही थी तो उसमें से ये पांच हमको प्रोनाउन में भी दिखाई दे रहे थे। प्रोनाउन में भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आया था, प्रोनाउन में भी रिलेटिव प्रोनाउन आया था, वहां पर भी पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन आया था, डिस्ट्रीब्यूटिव वहां भी आया था, और डिमोन्स्ट्रेटिव वहां भी आया था। यहां भी है, वहां भी है। तो ये एडजेक्टिव इनका टाइटल है, चूंकि एडजेक्टिव फैमिली के हैं इसलिए ये लगा हुआ है, उनके साथ प्रोनाउन लगा हुआ था। तो उनका काम क्या था, वो वहां पर प्रोनाउन नाउन को हटाने के लिए आ रहे थे, और ये क्या करेंगे, नाउन की विशेषता बताने के लिए आएंगे, मतलब उसका गुणगान करेंगे ये। तो वो जब प्रोनाउन के रूप में आ रहा था तो नाउन को गोली मार दे रहा था, उनको वो हटा दे रहा था रास्ते से, और उनकी जगह पर बैठ रहा था। बट जब वो एडजेक्टिव के रूप में आएगा तो उसको चिपका देगा वो। मतलब आप जान रहे हैं कि जब भी एडजेक्टिव आता है तो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए आता है। तो भाई जब दूल्हा होंगे तभी तो बारात निकलेगी, उनका गुणगान करने वाला जो होगा, अगर नाउन प्रोनाउन सेंटेंस में नहीं रहेगा तो एडजेक्टिव की कोई जरूरत नहीं होगी। तो यहां पर डिफरेंस ये हो जाता है कि जितना भी इंट्रोगेटिव वर्ड आपको बताया गया था वो सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी आता है और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी आता है। जब वो इंट्रोगेटिव वर्ड माइनस नाउन प्रोनाउन हो, सॉरी इंट्रोगेटिव वर्ड माइनस नाउन हो, तो उसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। और अगर इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस नाउन हो तो हम उसको क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। उसी तरह से डिमोन्स्ट्रेटिव, देखिए इसको जरा एक एग्जांपल से पहले समझ लें थोड़ा हम। एक चीज जान लीजिए, महत्वपूर्ण चीज है, हाउ टू रिकॉग्नाइज एन एडजेक्टिव। एक बहुत सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूं आपको कि किसी शब्द के बारे में अगर आशंका हो कि ये एडजेक्टिव है कि नहीं है, तो उसका एक टेस्ट, सिंपल सा टेस्ट है। वो क्या टेस्ट है, उसका टेस्ट होगा कि उसके साथ आप एक नाउन दे के देखिए, अगर वो चिपका ले उसको, अगर उसको अपने में एकोमोडेट कर ले, उसके साथ ये चिपक जाए, तो आप समझ जाइए कि वो निश्चित तौर पर एक एडजेक्टिव है। क्या है, इफ ए वर्ड, इफ ए वर्ड एकोमोडेट्स ए नाउन विथ इट, इट इज सर्टेनली एन एडजेक्टिव। सिंपल सा टेस्ट है ये, बस आप उसके साथ एक एडजेक्टिव को चिप, एक नाउन को चिपकाइए,
अगर वो उसको एक्सेप्ट कर ले, वो दोनों चिपक जाए, तो समझिए कि ये एडजेक्टिव है। जैसे मान लीजिए हम एक शब्द लेते हैं गुड, हमको नहीं पता है कि ये शब्द क्या है, ये नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है, वी आर कंफ्यूज्ड, वी डोंट नो व्हाट इट इज। तो अब एक मन करता है कि ये एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है, अगर आपका मन ऐसा करता है कि ये एडजेक्टिव हो सकता है, देन आपके पास टेस्ट का तरीका क्या है, यहां एक बॉय को रखिए, इनको कोई परेशानी नहीं होगी, ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब क्या हो गया कि ये गुड जो है, ये टेस्ट रिपोर्ट आ गया कि ये गुड क्या है, एडजेक्टिव है। गुड हम लिख रहे हैं, चाहे ऑनेस्ट लिख रहे हैं, सपोज कीजिए ऑनेस्ट मैन, टीचर, डॉक्टर, कुछ भी आप लिख लीजिए, ये सारे के सारे नाउन हैं। इन सब के साथ ऑनेस्ट जो है वो इनको अपने साथ एकोमोडेट कर सकता है, देयरफोर रिजल्ट क्या होगा कि ये एडजेक्टिव होगा। तो एडजेक्टिव को टेस्ट करने का सिंपल सा तरीका यही है कि किसी शब्द के बारे में अगर आप आशंकित हैं कि ये एडजेक्टिव है कि नहीं है, तो कंफर्म होने के लिए आप उसके साथ एक नाउन को डालिए, वो नाउन अगर एडजेक्टिव होगा तो उसको कोई रिएक्शन उस पर नहीं होगा, उस नाउन को वो आराम से अपने साथ रख लेगा, तो आप निश्चिंत हो जाइए कि वो एडजेक्टिव है। चलिए अब हम आ रहे हैं वो काइंड्स की बात जो बताई गई आपको, आठ, और जहां से हम थोड़ा डेविएट हुए थे, डेविएट इसलिए हुए थे कि जो उनके वेराइटीज हैं उसमें पांच वेराइटीज जो है वो कॉमन हो गया है प्रोनाउन के साथ। तो अब हम चर्चा शुरू करते हैं पहली वेराइटी की, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसको हिंदी में कहते हैं गुणवाचक, गुणवाचक है ये। गुण मतलब क्या होता है, गुण का मतलब हमेशा सद्गुण नहीं होता है, गुण जो है वो सद्गुण भी हो सकता है, अच्छा गुण भी हो सकता है, अच्छी क्वालिटी भी हो सकती है, और वो बैड क्वालिटी भी हो सकती है, दुर्गुण भी हो सकता है। सद्गुण और दुर्गुण वो अलग चीज है। हमको क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ए गुड और ए बैड, बोथ काइंड्स ऑफ क्वालिटी, हम उसकी बात करते हैं। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का हम अगर डिफिनेशन लिखें तो एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, पॉइंट देते चलिए, एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज ए वर्ड व्हिच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। ये बताया जा चुका है आपको कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने की जिम्मेवारी इनको दी गई है, एडजेक्टिव्स को। तो विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन बाय सजेस्टिंग इट्स क्वालिटी विच मे बी ए गुड और ए बैड क्वालिटी। मतलब ये हुआ कि ये क्वालिफाइंग वर्ड है, सारा एडजेक्टिव क्वालिफाइंग वर्ड है और क्वालिफाई करता है ये नाउन और प्रोनाउन को। तो
ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है वो ऐसा क्वालिफाइंग वर्ड है जो क्वालिफाई करता है किसी नाउन या प्रोनाउन को, कैसे, ये बताकर कि उसकी क्या क्वालिटी है, और वो क्वालिटी उसकी अच्छी क्वालिटी भी हो सकती है, उसकी क्वालिटी बुरी क्वालिटी भी हो सकती है। जैसे हम कहें कि ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इसमें इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। बड़ा अच्छा लगता है अगर आपको कोई कहे कि यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये गुड क्वालिटी है। तो गुड हो या बैड हो, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इसको कहेंगे। हम कहते हैं, दूसरा एक सेंटेंस लेते हैं, रमेश इज ए नटी बॉय। तो यहां पर ये नटी आया, यह भी एक एडजेक्टिव है और ये अच्छा नहीं है, बट इट ऑल्सो इज ए क्वालिटी, ये भी एक क्वालिटी है, वो बदमाश लड़का है। तो ये इसको अगर हम पूछेंगे कि ये कैसा एडजेक्टिव है, हमारा जवाब होगा ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। ठीक है, दूसरी बात इसके बारे में जानिए, दूसरी बात, एन एडजेक्टिव सजेस्टिंग साइज, शेप, कलर, मैनर, एज, ओरिजिन, ओरिजिन ईटीसी इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मतलब क्या हुआ कि कोई एडजेक्टिव जो साइज बताने वाला है, शेप बताने वाला है, कलर बताने वाला है, मैनर बताने वाला है, एज बताने वाला है, ओरिजिन बताने वाला है, ओरिजिन का मतलब होता है जहां किसी चीज की उत्पत्ति हुई हो, जैसे इंडियन हम कहते हैं, तो वी आर इंडियंस, इंडियंस तो वहां पर जो है सो नाउन है, बट उसको एडजेक्टिव के रूप में भी हम कर सकते हैं, जैसे इंडियन हैंडीक्राफ्ट इन ब्रिटिश एरा वाज एट इट्स पीक। सपोज कीजिए हम ये सेंटेंस लिख रहे हैं, तो यहां पर ये इंडियन जो आया हुआ है, यह ओरिजिन बताने वाला, इस नाउन को क्वालिफाई करने वाला शब्द है। तो यहां पर ये इंडियन अगर हम एडजेक्टिव के रूप में पूछें कि ये कैसी कैसा एडजेक्टिव है, तो आपका जवाब होगा ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। हम कहें अगर कहीं पर आई हैव ए रेड पेन, इसमें रेड एडजेक्टिव है, क्या बता रहा है, कलर की बात कर रहा है, तो कलर बताने वाला शब्द भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। शेप बताने वाला, जैसे ए ट्रायंगुलर फील्ड, ये ट्रायंगुलर क्या बता रहा है, ये शेप बता रहा है,
राउंड, ट्रेंगुलर, रेक्टेंगुलर, इस सब तरह का जो शब्द आता है वो शेप बताने वाला है। तो ये भी क्या होगा, इसको भी हम कहेंगे ये ट्रेंगुलर जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ये रेड क्या है, ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब कलर, शेप, साइज, मैनर, एज, ओल्ड मैन की हम बात करते हैं, ओल्ड लेडी की हम बात करते हैं, वो ओल्ड भी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। अब इसके बारे में ये जानिए, ये अगला पॉइंट जो मैं देने जा रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैंडिडेट्स हु आर अपियरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये क्या है, मतलब थर्ड पॉइंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। When more than one adjective of quality is used to qualify वन नाउन, मतलब नाउन की संख्या एक हो और उसको क्वालिफाई करने वाले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मोर देन वन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग उसके लिए किया जा रहा हो। तो यहां पर दी adjectives of quality must follow the sequence। कौन सा sequence होगा, साइज, कलर, शेप, मैनर, एज, इस सीक्वेंस में आपको डालना होगा। क्या होगा, साइज, कलर, शेप, मैनर, एज, मतलब एक ही नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, मान लीजिए एक एडजेक्टिव ऑफ मैनर आ गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में मैनर बताने वाला आ गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में से ही साइज बताने वाला आ गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में से ही एज बताने वाला आ गया, तो उनको आपको अरेंज करना है साइज, कलर, शेप, मैनर, एज। जैसे ही हैड ए रेड लॉन्ग नाइफ इन हिज हैंड। ये सेंटेंस देखिए, दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। क्या गलती हुई है भाई इसमें, इसमें गलती यह हुई है कि दो एडजेक्टिव आया है क्वालिफाई करने के लिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है ये, क्वालिफाई करने के लिए आया है किसको, सिंगल नाउन को, एक ही नाउन को क्वालिफाई करने के लिए दो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग किया जा रहा है।
ठीक है। तो ये गलत क्यों हो गया? गलत इसलिए हुआ क्योंकि जो ये सीक्वेंस आपको बताया गया है कि जब दो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या दो से ज्यादा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एक ही नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आएगा तो उसको एक क्रम में रखना है। जैसे प्रोनाउन में आप लोगों को बताया गया था 231 का रूल बताया गया था कि अगर एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन आ रहा है तो पहले सेकेंड पर्सन को रखना है, फिर थर्ड पर्सन को रखना है और तब फर्स्ट पर्सन वाले को रखना है। यहां हम कह रहे हैं कि अगर एक ही सेंटेंस में एक ही नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एक से ज्यादा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आ रहा है तो उसमें भी आपको सीक्वेंस मेंटेन करना है और वो सीक्वेंस ये होगा, इस क्रम में उसको रखना है। यहां हम गलती क्या कर दिए हैं? ये लॉन्ग क्या बताता है? साइज, लॉन्ग स्मॉल शॉर्ट, ये साइज बता रहा है। तो और ये रेड क्या बता रहा है? ये कलर बता रहा है। तो यहां पर हमने पहले कलर को लिख दिया, उसके बाद में साइज को लिखा, सीक्वेंस गड़बड़ हो गया। सही क्या होगा कि ही हैड ए लॉन्ग रेड नाइफ। ओके, इसी तरह से एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस हमारा सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसमें भी हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए, इनको क्वालिफाई करने के लिए दो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग कर रहे हैं, एक तो ग्रैंड और दूसरा ओल्ड। इसमें ग्रैंड जो है वो मैनर को इंडिकेट करता है, तो पहले हमने मैनर को लिखा, और ओल्ड क्या करता है, क्या इंडिकेट करता है? ये एज को इंडिकेट करता है। देयरफॉर हम ओल्ड को सेकेंड प्लेस दे रहे हैं, फर्स्ट प्लेस हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में मैनर वाले को दिया और फिर सेकेंड प्लेस हमने एज वाले को दिया। अगर इसी को कर दिया जाता कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज दी ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया तो ये सेंटेंस भी हमारा इनकरेक्ट होता। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और इस पर बार बार सवाल पूछा जाता है, इसलिए आप इस सीक्वेंस को ध्यान में रखेंगे कि अगर एक ही नाउन को क्वालिफाई करने के लिए मोर देन वन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आ रहा है तो इट मस्ट बी अरेंज्ड इन द सेंटेंस इन दिस सीक्वेंस। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात हुई। जो दूसरा था, दूसरी वेराइटी एडजेक्टिव की, वो वेराइटी थी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। बहुत ध्यान से देखते चलिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इसका मतलब होता है मात्रावाचक। क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। तो इसकी परिभाषा हम जाने तो पहली बात, एन एडजेक्टिव विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन
by suggesting its quantity. सिंपल सी बात है कि मात्रा बता के, जैसे जैसे हम कहें I have some milk in the bottle. मतलब मेरे पास बोतल में थोड़ा दूध है, तो थोड़ा ज्यादा, ज्यादा कम, थोड़ा बहुत, ये सब जब एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होता है, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, मच, ये सब जब एडजेक्टिव के रूप में आता है तो, और वो मात्रा के द्वारा किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, तो दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसमें सम जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में आया हुआ है. नाउ सेकेंड पॉइंट, और ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के संबंध में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कैन बी यूज्ड टू क्वालिफाई ओनली एन अनकाउंटेबल नाउन. इस पर ध्यान रहे भाई, अनकाउंटेबल नाउन. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग हम किसको क्वालिफाई करने के लिए करते हैं? एन अनकाउंटेबल. मात्रा जो होती है वो किसी अनकाउंटेबल नाउन का ही होगा. काउंटेबल नाउन की मात्रा नहीं होती है. हम नहीं कहते हैं कि इस स्कूल में छात्रों की मात्रा कितनी है. अगर ये कह रहे हैं तो आप शायद ज्यादा विद्वान हैं, उतना विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है. हम वहां पर कहेंगे कि इस विद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी है. जब काउंटेबल की बात हम करते हैं, अगला जो वैरायटी आएगा वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही आने वाला है, तो उसका प्रयोग हम जब करते हैं तो वो काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं. लेकिन मात्रा की बात जब भी होती है तो ये ध्यान रहे कि वेन एवर वी टॉक ऑफ क्वांटिटी वी थिंक ऑफ एन अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग करना है. तो एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कैन बी यूज टू क्वालिफाई एन अनकाउंटेबल नाउन ओनली. मतलब क्या हुआ? दिस कैन नॉट बी यूज टू क्वालिफाई ए काउंटेबल नाउन. अगर काउंटेबल नाउन के साथ इसका प्रयोग किया गया होगा तो आप काट दीजिएगा उस सेंटेंस को, या अगर कहीं एरर में दिया हुआ है तो उसी पार्ट को आप डिटेक्ट कर लीजिएगा, पकड़ लीजिएगा कि यहां पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग किया गया है और नाउन जो दिया गया है वो क्या है? काउंटेबल नाउन दिया गया है. देयरफॉर इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी. अब चलिए, इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कौन कौन है इनके बारे में हम जाने. थर्ड पॉइंट, द एडजेक्टिव ऑफ
क्वांटिटी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी आर क्या हैं? लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, मच, टू मच, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में प्रयुक्त होने वाले एडजेक्टिव्स हैं। मतलब इनके साथ हम जब इनका प्रयोग करते हैं तो ये अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग इनके साथ किया जाता है। ये अनकाउंटेबल नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आते हैं। जैसे देयर वाज ए लिटिल वाटर इन द पॉन्ड, तालाब में थोड़ा पानी था। ये वाटर अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, और ए लिटिल का प्रयोग किया गया है। दिस सेंटेंस इज करेक्ट। यहां पर ए लिटिल जो आया हुआ है ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो चौथी बात, चौथी बात भी महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान देना है। दी वर्ब आफ्टर एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी will be a singular verb. The verb, the noun, यहां noun जोड़ लीजिए, and verb after an adjective of quantity will be a singular noun and ए सिंगुलर वर्ब। ये भी महत्वपूर्ण चीज है, इस पर भी ध्यान रखना है कि अगर कोई एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आया हुआ है तो आप जान रहे हैं कि उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा, वो अनकाउंटेबल नाउन को क्वालिफाई करता है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए उस एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और अनकाउंटेबल नाउन के बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो यही बात यहां लिखी गई है कि नाउन और वर्ब जो आएगा किसके बाद? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद जो नाउन और वर्ब आएगा वो नाउन भी सिंगुलर होगा और वो वर्ब भी सिंगुलर होगा। मतलब प्लुरल नाउन अगर आ रहा है या प्लुरल वर्ब आ रहा है तो क्या होगा? गलत होगा। मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी प्लस प्लुरल नाउन और प्लुरल वर्ब इज इक्वल टू नतीजा ये होगा। सही, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी प्लस सिंगुलर नाउन जो अनकाउंटेबल होगा और सिंगुलर वर्ब इज इक्वल टू ये सही होगा। तो आज की चर्चा मैं यही समाप्त कर रहा हूं। आप लोग वीडियोस को लगातार देखिए, बहुत महत्वपूर्ण। हम लोग अब जो हमारा हमारी चर्चा जो है वो बड़े महत्वपूर्ण फेज में आ गई है, और यहां से ट्रांसफॉर्मेशन की बात शुरू होगी कि हाउ टू चेंज एडजेक्टिव वाला जो है कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव, सुपरलेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, ये कैसे करते हैं, ये सारे चीज़ों की चर्चा होनी है, जो
खास तौर पर एसएससी की परीक्षा में उस पर काफ़ी सवाल पूछा जाता है। तो हमको उन सारे चीज़ों को समझने के लिए और आराम से कंफर्टेबली उन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इन सारे चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। देयरफॉर ये जो काफ़ी सीरियस अभी चर्चा हो रही है, मेरे वीडियोस में आपको सिनेमा की बातें और कथा कहानियां नहीं होती हैं। मैं अपने बारे में बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, बट पढ़ाई की बात होती है और उस पर मैं आपसे बार बार ये आप लोगों को सलाह दूंगा कि उस पर कंसंट्रेट होइए, पेशेंस के साथ आप लोग वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपकी इच्छा हो तो, और शेयर कीजिए दूसरों के साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। आपका पर्सनल फ़ायदा ये है कि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा जैसे ही न्यू वीडियो आएगा वैसे, और अन्य लोगों को चूंकि ये निःशुल्क व्यवस्था है, किसी को कुछ पैसा नहीं लगना है इसके लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँच सके। इसका जो है सो शेयर करने से इसका जो है सो उन लोगों को फायदा होगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।